आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रविवार को नगर निगम परिसर में स्थित सदन हॉल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों को नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए नगर निगम परिवार समर्पित है और उनके आश्रितों के लिए तत्पर है। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, इसके लिए हम सभी सेनानी परिजन नगर सबसे पहले तो मैं समस्त जनपदवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर
ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाइयाँ देना चाहूँगा। और आज इस वक्त जो है यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके जो उत्तराधिकारी गण की जो समिति है वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये लोग सबसे पहले कलेक्ट्रेट जाते हैं और उस जो कार्यक्रम होता है वहाँ पर भाग लेते हैं और समापन जो होता है वो नगर निगम से होता है। ये बड़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है और यहाँ पर ये कार्यक्रम जो हुआ है इसमें नगर निगम प्रशासन के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित जन हैं, जो उनके उत्तराधिकारी जन हैं, उनका सम्मान किया गया, उनका माल्यार्पण किया गया और आज संयुक्त रूप से मिलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर निकट भविष्य में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जन हैं, उनके उत्तराधिकारी जन, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, चाहे कोई यहाँ पे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो या टैक्स से संबंधित हाउस टैक्स वाटर टैक्स कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको निश्चित रूप से हम लोग के सामने लाए, हम लोग मिलकर उन समस्याओं को दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित जन हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नगर निगम के स्तर से न होने पाए।